नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आत्मा रोकती थी बार बार इस किले का निर्माण। राजस्थान के किले व महल दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। हर साल लाखों की तादाद में देश विदेश से पर्यटक राजाओं के शाही ठाट बाट को देखने के लिए आते हैं। भारतीय राजे महाराजे किस तरह से ऐशो आराम से रहते थे, यह महल व किले हर वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में अरावली पर्वत के ऊपर बना नाहरगढ़ किला हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचता है। पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन बाद में यह किला नाहरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ है शेरों का निवास स्थान। माना जाता है कि इस किले का नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस किले के निर्माण के लिए जगह उपलब्ध करवाई थी। किले के अंदर नाहर सिंह की याद में एक मंदिर भी मौजूद है। नाहरगढ़ किले का इतिहास। नाहरगढ़ किले का निर्माण महाराजा जय स्वाई सिंह ने 1734 में करवाया था। बाद में राजा स्वाई राम सिंह द्वारा इस किले का विस्तार किया गया। राजा स्वाई राम सिंह के बाद राजा स्वाई माधो सिंह ने भी किले के अंदर कई भवनों का निर्माण करवाया। इस किले को अंतिम रूप राजा स्वाई माधो सिंह द्वारा दिया गया। किले की मुख्य इमारत को माधवेंद्र महल के नाम से जाना जाता है। माधवेंद्र महल के साथ 9 महल जुड़े हुए हैं तथा इन महलों के नाम 9 रानियों के नामों पर रखे गए हैं। इन महलों के नाम इस प्रकार हैं: सूर्य प्रकाश महल, चंद्र प्रकाश महल, आनंद प्रकाश महल, जवाहर प्रकाश महल, रतन प्रकाश महल, लक्ष्मी प्रकाश महल, ललित प्रकाश महल, बसंत प्रकाश महल, खुशहाल प्रकाश महल। 1857 के विद्रोह के दौरान यूरोपियन लोगों को राजा स्वाई राम सिंह ने सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ किले में भेजा था। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि इस किले पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ। आत्मा करती थी नाहरगढ़ किले के निर्माण में बाधाएं उत्पन्न। कहा जाता है कि इस किले के निर्माण के समय कई अजीब घटनाएं घटित हुई। हर दूसरे दिन मजदूरों को अपना काम बिगड़ा हुआ मिलता था। लोगों का मानना था कि जिस राजा नाहर सिंह भूमिया ने इस किले के निर्माण के लिए जगह दी है, उनकी आत्मा के कारण काम में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके बाद किले में नाहर सिंह के नाम पर एक मंदिर बनवाया गया। कहते हैं कि नाहर सिंह की आत्मा को स्थान मिलने के बाद निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं आई। बावड़ी है आकर्षण का केंद्र। नाहरगढ़ किले में माधवेंद्र महल के सामने बनी बावड़ी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। असल में यह स्थान उस समय का मुक्ताकाश मंच अर्थात ओपन एयर थिएटर था। राजाओं के समय में खास मेहमानों के लिए इस स्थान पर मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित होते थे। इस बावड़ी के तीनों ओर बनी सीढ़ियां बावड़ी की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं। किले में हो चुकी है फिल्मों की शूटिंग। नाहरगढ़ किले ने अपनी खूबसूरती और आसी शान के कारण देश विदेश के पर्यटकों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री को भी आकर्षित किया है। बॉलीवुड स्टार आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती की शूटिंग नाहरगढ़ किले में हुई थी। इसके अतिरिक्त अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग भी इस किले में हो चुकी है। घूमते हैं जंगली जानवर। नाहरगढ़ किले के नज़दीक एक बड़ा जंगल है, जिसमें कई प्रकार के जंगली जानवर आज भी घूमते हैं। इस जंगल में राजा महाराजा शिकार के लिए जाया करते थे। किले में आने जाने वाले पर्यटकों को इस जंगल से दूर रहने की सलाह दी जाती है। नाहरगढ़ किला आज भी उसी राजसी शान से खड़ा है, जिस तरह राजाओं के समय में था। जब भी पर्यटक राजस्थान की राजधानी जयपुर में आते हैं, तो इस किले में जाना नहीं भूलते। यह प्राचीन किला अपनी खूबसूरती के चलते आज भी देश व दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सो दोस्तों, यह थी नाहरगढ़ किले से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।